कदहुँ सुचेत होय कै चेतना को चार कियो। कदहुँ सुचेत होय कै चेतना को चार कियो। कदहुँ अचिंत होय कै सोवत अचेत हूँ। कदहुँ सुचेत होय कै चेतना को चार कियो। कदहुँ सुचेत होय कै चेतना को चार कियो। कदहुँ अचिंत होय कै सोवत अचेत हूँ। कदहुँ सुचेत होय कै चेतना को चार कियो। कदहुँ सुचेत होय कै चेतना को चार कियो। कदहुँ अचिंत होय कै सोवत अचेत हूँ। कदहुँ सुचेत। कतहुँ भिखारी होय कै मांगत फिरत भीख। कतहुँ भिखारी होय कै मांगत फिरत भीख। कहूँ महादान होय कै मांग्यो तन देत हो। होय कै मांगत फिरत पी। कतहुँ भिखारी होय कै मांगत फिरत पीख। कहूँ महादान होय कै मांग्यो तन देत हो। कतहुँ सुचेत होय कै चेतना को चार कियो। कतहुँ सुचेत होय कै चेतना को चार कियो। कतहुँ अचिंत होय कै सोवत अचेत हो। कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान। महाराजन को दीजत अनंत दान। कहूँ महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान। कहूँ महाराजन को दीजत अनंत दान। कहूँ महाराजन ते छीन छित लेत हो। कहूँ महाराजन ते छीन छित लेत हो। कतहुँ सुचेत होय कै चेतना को चार कियो। कतहुँ सुचेत होय कै चेतना को चार कियो। कतहुँ अचिंत होय कै सोवत अचेत हो। कतहुँ अचिंत होय कै सोवत अचेत हो। वेद रीत कहूँ तास विपरीत। कहूँ वेद रीत कहूँ तास विपरीत। कहूँ त्रिगुण अतीत कहूँ स्वर्ग समेत हो। वेद रीत कहूँ तास विपरीत कहूँ।
सर्गों समेत हो कतहूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो कतहूं सुचेत होए के चेतना को चार कियो कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेत हो कतहूं अचिंत होए के सोवत अचेत कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत भीख सये पातशाही दसवीं तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत भीख भिखारी होए के मांगत फिरत भीख कहूं महादान होए के मांग्यो तन देत हो कतहूं भिखारी कतहूं फिरत भीख कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत भीख कतहूं भिखारी होए के रे मां पानी सारे सारे निसानी पमा मरे दृशा रेनी सापा दनी सारे मां पा कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत भीख कहूं महादान होए के मांग्यो तन देत हो दिन की प्रतिपाल करे नित संत उबार गनी मन गारे पच पशु नग नाग नरादप सर्व समय सबको प्रतिपारे पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचारे दीन दयाल दयालित दोखन देखत है पर देत न हारे कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत भीख अविनाशी जीवन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निधान भगतन को बर्तन बिरला पावे कोई कोई जी कतहूं भिखारी होए के मांगत फिरत भीख कतहूं भिखारी होए के आपी ने आप साजियो आपी ने रजियो ना दुई कुदरत साजिए
कर आसन डिठो चा दाता करता आप तू तुस देव कर पसाओ तू जानो ई सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन डिठो जाओ कर आसन डिठो जाओ कतहू भिखारी हो गए मांगत फिरत भीख चित अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलांदा आपे दे वडे आईया आपे ही गर्म कराएंदा वडो वडा वड मेदनी सिर सिर तंदे लाएंदा नदर उपठी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा दर मंगन पेख न पाएंदा दर मंगन पेख न पाएंदा जी कतहू भिखारी होए गए मांगत फिरत भीख आपे पट्टी कलम आप ऊपर लेख भी तू कतहू कतहू भिखारी होए कै मांगत बिरत भीख कीड़ा थाप दे पातशाही कीड़ा थाप दे पातशाही कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे कतहू भिखारी होए के मांगत फिरत भी हर की गत ने को जान जो भी जत तपी पचहार हर वो लोक से आने छिनमय राव रंक को करई राव रंक कर डारे रीते परे परे सखनावे ये ताको व्यवहारे अपनी माया आप पसारी अपनी माया आप पसारी आपे देखन हारा आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहुरंगी सब ते रहे न्यारा जी कतहू भिखारी होए गए मांगत फिरत भी बाजी गर जैसे बाजी पाई नाना रूप देख दिखलाई स्वांग उतार थमयो पसाना तब एक एक अंकारा जी कतहू भिखारी हो गए मांगत फिरत भी कहूं महतार हो गए मांगो तन दे तो हो कहूं बेदरीत कहूं तास विपरीत कहूं त्रिगुण अतीत कहूं सर गुण समेत हो कतहू सुचेत होए के चेतना प्रचार कियो कतहू सुचेत होए के चेतना प्रचार कियो कतहू अचिंत होए के सोवत अचेत हो कतहू अचिंत होए के सोवत अचेत हो कतहू सुचेत होए के कतहू सुचेत होए के कतहू सुचेत हो के सुचेत होए के कतहू सुचेत होए के सत्संग जी।
ए सवैया जो हुणे गायन किया है दसम पिता दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की रचना है। पातशाह इस विच परमात्मा के विभिन्न रूपां का वर्णन करते हैं। एक एक तुक दे विच पातशाह ने दो दो अलग अलग परिस्थितियां नूं दर्शाया है। पातशाह कहिंदे कतहूं सुचेत होए कै चेतना को चार कियो। हे प्रभु मैं देखदा हाँ तेरे अनेक रूप हन, मैं एक पासे नज़र मारदा हाँ मैनूं ओ प्राणी ओ बाशिंदे दिखदे हन जिहड़े सुचेत हो गए हन, जिन्हां नूं तेरी समझ आ गई परमात्मा, जिन्हां नूं तेरी चेटक लग गई है, वह सुचेत हो गए हन। आप सुचेत होए हन ते दूजियां नूं भी सुचेत करदे हन। हे प्रभु तू ही उन्हां च बैठा है, ये सब कुछ तू कर रहा है। हुण ये ते सुचेत की गल है ते फिर अचेत भी बहुत हन। गुरु साहब उन्हां नूं माड़े नहीं कहिंदे, दुत्कारदे नहीं। जिथे हे प्रभु सुचेत बंदियां विच तेरा प्रताप है, तेरी जोत वरत रही है, तेरा तेज वरत रहा है, उत्थे अचेत दे विच भी तू ही बैठा है। कत हूं किसे पासे भाव किते ते मैं की देखदा हाँ, सुचेत होए कै चेतना को चार कियो। ते मैं दूसरे पासे नजर मारदा कत हूं अचिंत होए कै सोवत अचेत हूं, बिल्कुल गाफल होके सुता पिया है जड़ा प्राणी। हे प्रभु तुम ही उहदे विच ही है, तू ही है, ये तेरा ही रूप है, तेरा विराट रूप है। इधर नजर मारा तेरा होर रूप दिखता है, क्योंकि मूर्त तो एको ही है पर दर्शन करन दा अपना अपना ढंग है। एक मूर्त अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक है। तू एको ही पर तेरे रूप अलग अलग हैं। मैं जिथे जिथे वेखदा हे प्रभु वाह कमाल है तेरा जलवा। कतहूं सुचेत होए कै चेतना को चार कियो, किते ते तू सुचेत होके सारी दुनिया नूं सुचेत कर रहा है। कतहूं अचिंत होए कै सोवत अचेत हो, किते तू गाफल होके सुता पिया है, वो भी तू ही है प्रभु, होर कोई नहीं है। तीसरी कतहूं भिखारी होए कै मांगत फिरत भीख। हे प्रभु मैं देखता हाँ दुनिया च बहुत भिखारी हैं, तू ही है उन्होंने, तू भीख मंग रहा है। हे प्रभु तू ही भीख मंग रहा है, इस दे उल्ट उन्होंने भीख देन वाला भी तू ही है, मंग भी तू रहा है ते देन वाला भी तू है। कतहूं भिखारी होए कै मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होए कै मांगो धन दे तो दे ही जा रहा है, देदा दे लेंदे थक पाए। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, घर ता तेरा सब कुछ है, जिस दे हिस्सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे। सारे बोलो कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरा। कतहूं भिखारी होए कै मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होए कै मांग्यो धन देत हो। फिर अगे की गल कीती है, हे प्रभु मैं देखदा वड्डे वड्डे राजे कहंदे कहंदे राजे, कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान। तू दान दिंदा पिया है, इन्ना दान दे दिता है, उन्हां कोलों राज सांभिया नहीं जांदा, दे ही जा रहा है। ते दूसरे पासे तेरा प्रचंड रूप भी मैं देखदा हाँ, कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित ले थो। एक पासे तू उन्होंने बेअंत दान दे रहा है पर दूसरे पासे दान की गल तो छड़, वड्डे वड्डे राजां दे पैरां थलों जमीन भी तू खुस लैंदा है। जिसनों आप खवाए करता खुस ले चंगे आई, खुस ले चंगे आई। कहूं महाराजन को दीजत अनंत दान, कहूं महाराजन ते छीन छित लेत हो। तेरे किन्ने रूप हैं, कहूं बेद रीत, कहूं तासों विपरीत, कहूं त्रिगुण अतीत, कहूं सरगुण समेत हो। एने तेरे गुण हैं, मैं किदा वख्यान करा, किदी कथा करा, किदे बारे मैं जनता नूं जागृत करा। हे प्रभु चकर चहन अर बरन जात अर पात नहन जाए,
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿਹਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹਿ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ, ਉਹਦਾ ਰੇਖ, ਉਹਦਾ ਭੇਖ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸ਼ਾਹੋ ਸ਼ਹਾਨ ਗਣੀਜੈ, ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਡਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤੇਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਹਨ। ਕਤਹੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕਹਿ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਵਾਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਤਹੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕਹਿ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤਹੂੰ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕਹਿ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋਂ। ਕਤਹੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕਹਿ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤਹੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕਹਿ ਚੇਤਨਾ ਕੋ ਚਾਰ ਕੀਓ, ਕਤਹੂੰ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕਹਿ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ, ਕਤਹੂੰ ਅਚਿੰਤ ਹੋਏ ਕਹਿ ਸੋਵਤ ਅਚੇਤ ਹੋ, ਕਤਹੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕਤਹੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕਹਿ ਕਤਹੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਏ ਕਹਿ।